हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड सुबह सुबह आज मैंने एक रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट था क्या, वो बॉल किया हुआ था फंड मैनेजर्स के बीच में आईटी सेक्टर को लेकर। मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में ही बताया फाइनेंस सेक्टर कौन है, कि 80% से ज़्यादा जो फंड मैनेजर्स है वो फाइनेंस सेक्टर को लेके अगले 1-1.5-2 साल के लिए बुलिश है इंडिया के अंदर में, और 1-2 साल मुझे तो लगता है 5-10 साल के लिए बुलिश है इंडिया के अंदर में। लेकिन आईटी सेक्टर में ये केस नहीं है। आईटी सेक्टर की अगर माने तो हर 10 में से 6 म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं वो आईटी सेक्टर को लेके बेयरिश है। मतलब 60% के अराउंड बेयरिश हैं फंड मैनेजर्स, एंड 40% के अराउंड फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो कि बुलिश हैं आईटी सेक्टर को लेके। इन्फोटेक सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, अब चाहे सर्विस हो या फिर सॉफ्टवेयर हो या फिर जो सारी चीज़ें हो, मतलब टोटल एक ओवरऑल ब्रॉड सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ओवरऑल सेक्टर के बारे में। तो मैं क्या सोचता हूँ, अब आपको तो मैंने ये बता दिया कि मेजॉरिटी जो है, देखो 60% है, मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है, बट फिर भी काफ़ी मेजर एक हिस्सा है जो कि सोचता है कि आईटी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इन फ्यूचर। और अभी की बात करें, करंट की जो सिचुएशन है, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पूरा, अगर आप एक थोड़ा सा एनालाइज करो जो सिचुएशन है, तो आपको समझ में ऐसा आता है कि ठीक है, जैसा पिछले कुछ सालों में आईटी ने परफॉर्म किया है, खासकर ये कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में जो आईटी ने, क्योंकि वहाँ पे समझ में आ गया था लोगों को कि आईटी के अंदर बूम आना ही है, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, इंटरनेट का यूज़ बढ़ा, टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा, तो आईटी सेक्टर को फ़ायदा होना ही था। तो काफ़ी ज़बरदस्त आईटी सेक्टर ने, फंड्स ने, स्टॉक्स ने वहाँ पे रिटर्न दिया बना के इन्वेस्टर्स को। अब आगे क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है कि जैसा इस टाइम पीरियड में फंड्स ने परफॉर्म किया वैसा परफॉर्म नहीं करेगा, बट एक निगेटिव सेंटिमेंट जो होता है वो मेरा नहीं है आईटी सेक्टर के बारे में। मैं अपना जेन्यूनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांग बुलिशनेस नहीं होगी सेक्टर में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम छोड़ के भाग जाना चाहिए, बेच बाज के हट जाना चाहिए आईटी स्टॉक्स को, ऐसा भी बेयरिश कोई फेज नहीं आने वाला है। मुझे अभी भी लगता है कि निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है, कम से कम उसको तो आउट परफॉर्म जरूर करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्योंकि अभी सेम इंडिया पे भरोसा है, इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा है, इंडिया की इकोनॉमी पे भरोसा है। तो मेजर ये जो 3 सेक्टर्स हैं, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, बाकी सेक्टर्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये 3 जो सेक्टर्स हैं जब भी तक इंडिया ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग फेज में, तभी तक ये 3ों सेक्टर्स भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अब किसी साल ज़्यादा ग्रो करेंगे, किसी साल कम ग्रो करेंगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, बट खराब परफॉर्मेंस हो मुझे ऐसा नहीं लगता है नियर फ्यूचर में आईटी सेक्टर के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कैसा आईटी सेक्टर परफॉर्म करने वाला है नियर फ्यूचर में, जरूर कमेंट में बताएं। मैं तो भाई न्यूट्रल हूँ, ना बहुत ज़्यादा बेयरिश, ना बहुत ज़्यादा बुलिश। आप अपनी राय जरूर दें। जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मा सेक्टर के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया कुछ परफॉर्म करेगा अभी आगे फ्यूचर में। फाइनेंस के बारे में मैंने बोला कि हाँ अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा सेक्टर है कि बहुत ज़्यादा बियरिश होने की मुझे नहीं लगता टेक्नोलॉजी, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये हो गया था कि जो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ था कि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड समझो, बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन कंपनीज से लोगों की, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इनका बढ़ गया था, और जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा इन कंपनी का रिजल्ट, अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन, मतलब अच्छे तो आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट में है कंपनी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उस उतना अच्छा नहीं है। और अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के जितना रिजल्ट नहीं आता एक भी कंपनी से, अच्छी जो बड़ी कंपनी है उस सेक्टर की, उससे, तो फिर पूरा सेक्टर उसका भुगतान करता है, और लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे ही आईटी के स्टॉक्स उसका भुगतान अभी कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पेन है, मुझे लगता है जल्दी ही रिकवर कर जाएगी, एंड आईटी सेक्टर अभी बियर इस फेज में नहीं जाना चाहिए नियर फ्यूचर में। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें।